मेरा नाम मोहम्मद फैजल है। तो कल रात मैं अपने घर जैसे पहुंचा, भाई और मैं दोनों पहुंचे, जैसे पानी का गिलास जैसे पीने लगे थे, उतने पे बब्बा सरपंच हमारे घर पे 40-50 लड़के लेके, वो अपने घर के बंदे लेके अटैक कर दिया, हमारे पे हमला कर दिया था उसने, रंजिश के कारण हमारे पर हमला किया। प्लाट के ऊपर हमारा कब्जा किया हुआ है, ठीक है जी, इस कारण उसने हमको जान से मारने की कोशिश की। कौन है, कहाँ का सरपंच है ये? जगीरपुर रोड माडक कॉलोनी गली नंबर 9 जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं पे बाबा सरपंच रहते हैं। वहाँ का कौन से पार्टी के साथ ताल्लुक है? अकाली दल से ताल्लुकात है। तो आपके प्लाट का क्या मैटर है इसमें? मेरे प्लाट का ये मैटर है, मेरे प्लाट पे इसने स्टे लगाई हुई है, कब्जा किया हुआ है। कितने गज का प्लाट है? 100 गज का प्लाट। तो इस संबंध में आपने कोई कंप्लेंट वगैरह भी? कंप्लेंट की हुई है मैंने, केस भी लगाए हुए हैं, मेरे केस भी चल रहे हैं। और बस्ती एक बार और मेरे पे हमला किया था, मैंने थाना बस्ती में दरखास्त दी हुई है। अभी यही मांग करता हूँ, जो इनके ऊपर कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। किस किस के चोटें किस किस के लगी है? मेरी बहन को चोट लगी है, मेरे भाई को चोट लगी है, मेरी मम्मी का भी सिर फाड़ दिया, मेरा भी सिर फटा हुआ है। तो अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी वो सिविल अस्पताल में है। इन्हां दी आपस दे विच ही मेरे पिंड च दो घरां दा तकरार चलदा काफ़ी देर तो, कोई प्लाट का रौला 100 गज का, जिहदे विच इन्होंने जिहड़ा मुहम्मद मुजम्मल आ इन्होंने एक प्लाट सेल किया होया जी, वो माणयोग अदालत दे विच केस पेंडिंग चलता है, भी स्टे होया उहदे ते। स्टे जिहड़ा हुण जिहड़ा मेरी पार्टी है जी उन्हां दे मतलब हक दे विच जा रहा कोर्ट का फैसला, ये उत्तों भड़के हुए ये अपने आप ही शरारत करी करते पे आ, कुछ या भी कुछ इस तरह का करके असी भी कोई राजीनामे वाली गल तोड़ लीए, होर ए कोई सच्चाई नहीं।